सोना हैरानी से अंश की डांट सुन रही थी। उसने कहा, हम उनसे क्या कहते मिस्टर रायजादा, वो आपके भाई है ना, आपने ही तो हमें हमारी लिमिट में रहने के लिए कहा था, इतनी जल्दी भूल गए आप। अंश ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचते हुए गुस्से से बोला, तुम कब से मेरी बात मानने लग गई? हुँ? पहली बार तुमसे मिलकर मुझे लगा था तुम इस तरह की लड़की नहीं हो जिसे चुपचाप तमाशा देखना पसंद हो। तुम लोगों के हक के लिए लड़ती थी, पर मुझे लगता है मैं गलत था। तुम तो सिर्फ एक भीगी बिल्ली हो जिसे मुसीबत देखकर भागना आता है। सोना उससे बहस करते हुए बोली, अगर ऐसा है तो आप हमें अकेला छोड़ क्यों नहीं देते मिस्टर रायजादा? क्यों आप इस भीगी बिल्ली के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहते हैं? क्यों आपने हमें इस जगह पर कैद करके रखा है? वैसे भी उन्होंने जो भी कहा हमसे कहा, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अंश अपनी पकड़ उसके हाथ पर कसते हुए बोला, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो वो मुझे भी इफेक्ट करता है। सोना दांत पीसते हुए बोली, फॉर गॉड सेक मिस्टर रायजादा, आई एम नॉट योर प्रॉपर्टी, आई एम नॉट हार्टलेस लाइक यू, एंड आई बिलोंग टू मी, आई ओन माई सेल्फ। और हाँ, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, आई एम जस्ट योर फोर्स्ड वाइफ, इसके अलावा और कुछ नहीं। अंश ने ये सुना और उसके होठ किनारे से उठ गए। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम इस बात को मानती हो कि तुम मेरी बीवी हो, इस वजह से मेरा तुम पर पूरा हक है, राइट? तो सोना की आंखें बड़ी हो गई। उसे एहसास हुआ उसने अभी अभी खुद को उसकी वाइफ कहा था। वो अपना सर नहीं में हिलाने लगी। अंश ने कहा, डोंट डिनाई द फैक्ट दैट आई एम योर हस्बैंड, यू बिलोंग टू मी, ओनली मी। उसके साथ ही उसने सोना के होठों को चूम लिया। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुआ और उसके कांपते होठों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, अब इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है, वरना मेरे पास तुम्हें याद दिलाने के और भी कई तरीके हैं। ये कहकर वो उसे छोड़कर वॉशरूम में चला गया। सोना अपनी नम आंखों से बंद दरवाजे को देख रही थी। उसने अपने आंसू साफ किए और खुद से कहा, आप हर बार हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते मिस्टर रायजादा, और पूल साइड बिना किसी भाव के देखने लगी। कुछ देर बाद अंश बाहर आया। उसकी नजर सोना पर पड़ी जो खोए हुए ढंग से बेड से टिक कर जमीन पर बैठी हुई थी। अंश ने उसे एक नजर देखा और बिना कुछ कहे तैयार होकर नीचे चला गया। अंश को नीचे आता देख रेहान ने फिर से अपना मुंह फुला लिया। दीप ने उसे ऐसे देखा तो आह भरते हुए बोला, आह अब छोड़ भी यार रेहान, कितने नखरे करेगा, लड़कियों से ज्यादा तो तेरे नखरे हैं। रेहान ने उसी तरफ मुंह फुलाए हुए कहा, दीप भाई आप नहीं समझेंगे मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ, अंश भाई ने आज मुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया। भाई ने एक लड़की के लिए मुझे डांटा, उनकी बातें सीधा मेरे यहाँ लगी, यहाँ। ये कहते हुए उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। अंश अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, रेहान ठीक से बिहेव करो, यू आर नॉट अ किड एनीमोर। रेहान ने अपना मुंह बनाया। मेड ने अंश की प्लेट में नाश्ता सर्व किया। अंश ने देखा उसे पराठे सर्व किए गए हैं। अंश ने आंखें छोटी करके उस मेड को देखा जिसने उसे नाश्ता सर्व किया था। अंश के इस तरह खुद को घूरने से उस मेड के पसीने छूट गए। उसने कहा, सर मैम हैज प्रिपेयर्ड दिस ब्रेकफास्ट। अंश कुछ कहता उससे पहले दीप ने कहा, अंश एक बार ट्राई करके देख, भाभी ने कितनी मेहनत से ये टेस्टी नाश्ता बनाया है, मन तो कर रहा है पूरा का पूरा मैं ही खा जाऊं। वो ये कहते हुए पराठे की बाइट लेकर बहुत खुश होकर खाने लगा। रेहान उसके बात सुनकर फिर से हैरान हो गया। उसके मुंह से निकला, भाभी? दीप उसके सर पर हल्का सा मारते हुए बोला, तू अब भी नहीं समझा बुद्धू। रेहान ने उसे घूर कर देखा। दीप उसे समझाते हुए बोला, तू ही सोच अंश आज पहली बार किचन में क्यों गया, अब पूछो क्यों। रेहान ने पूछा, क्यों? दीप ने उसके सवाल को इग्नोर किया और बोला, उसे छोड़, अब ये सोच कि आज तेरे सबसे प्यारे भाई ने तुझे उस लड़की के लिए डांटा, और तो और उसने उसकी साइड भी ली, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं। रेहान सब कुछ समझते हुए बोला, मेरी भाभी है? दीप ने खुश होते हुए कहा, हाँ अब तू समझा। रेहान ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में? सच में वो मेरी भाभी है? भाई आपने बताया नहीं, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। उसने ये कहा और सीढ़ी की तरफ भागा। तभी अंश ने तेज आवाज में कहा, स्टॉप इट रेहान, तुम वहाँ नहीं जाओगे, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा।
रेहान कॉरिडोर से भागते हुए बोला, भाई आज मैं आपकी धमकियों से नहीं डरने वाला, मुझे भाभी से मिलना है। ये कहकर उसने बिना सोचे समझे कमरे का दरवाजा खोला। उसने देखा कमरे में कोई भी नहीं है। उसने कहा, भाभी आप कहाँ हैं? मुझे आपसे सॉरी कहना था। आई एम सॉरी, मैंने आपको ना जाने क्या क्या सुना दिया। भाभी? लेकिन रेहान को वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसके कान में वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। रेहान समझ गया उसकी भाभी वॉशरूम में है, इसलिए उसने उसके बाहर आने का इंतजार करना बेहतर समझा। वो अभी सोफे पर बैठने ही वाला था कि अंश कमरे में आया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे से बाहर ले आया। रेहान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे भाभी से मिलना है। दीप ने ये देखा और उसके पास आ गया, पर वो कुछ कहता अंश ने दूसरे हाथ से दीप का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। दीप और रेहान ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। अंश ने बॉडीगार्ड से कहा, इन दोनों को अभी बाहर फेंको, अब से ये दोनों इस घर के आसपास दिखाई नहीं देने चाहिए। बॉडीगार्ड सिर्फ अंश की ही बात मानते थे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। दीप ने कहा, अब यार मैंने क्या किया? तब तक अंश अंदर आ गया और उसके बाद अंश के कानों में सिर्फ रेहान और दीप के चिल्लाने की आवाज आने लगी। बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों को हाथों से पकड़कर ऊपर उठाते हुए गेट के बाहर छोड़कर गेट बंद कर दिया। रेहान तेज आवाज में चिल्लाया, भाई मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। इधर अंश कमरे में आया, उसने देखा सोना अभी तक वॉशरूम में ही है। वो अपना लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर आया और लिविंग रूम में बैठकर काम करने लगा। काम करते हुए दोपहर कब हो गई उसे पता नहीं चला। उसने वक्त देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। उसे सोना का ख्याल आया तो वो कमरे में आ गया। उसने देखा सोना बेड पर सिमट कर सो रही थी। उसे लगा फिर से उसे बुखार आया है। वो उसके पास आया और उसके माथे पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगा, पर शुक्र था कि वो बिल्कुल ठीक थी। उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और कमरे से बाहर आ गया। उसने मेड से सोना के लंच के बारे में पूछा तो मेड ने बताया सोना खाना खा चुकी है। लंच करने के बाद वो फिर से लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस और कुछ जरूरी काम करने लगा। इसी तरह शाम के 6 कब बज गए पता ही नहीं चला। अंश का फोन टेबल पर बजने लगा। उसने देखा क्रिश का फोन है। उसने फोन पिक किया और कहा, हाँ क्रिश बोलो। क्रिश ने सामने से कहा, मुझे पता था आप भूल जाओगे, इसलिए मैंने आपको रिमाइंड करवाने के लिए कॉल किया। सर आपको आज मनोत्रास की पार्टी में जाना है। अंश ने ये सुना और अपने माथे को सहलाते हुए बोला, ओके एनीथिंग एल्स? क्रिश ने कहा, नो सर। अंश ने फोन काटा और लैपटॉप बंद करके कमरे में आ गया। उसने देखा सोना पूल के साइड पर बैठी सनसेट देख रही थी। उसके हाथ में पानी का ग्लास था और वो एक टक डूबते हुए सूरज को देख रही थी। डूबते सूरज की लालिमा सोना की नीली आंखों में आग की लौ की तरह चमक रही थी। अंश अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे बाद वो शावर लेने के बाद बाहर आया। उसे सोना अब भी उसी जगह पर दिखाई दी। अंश कबर्ड से अपने लिए कॉफी कलर का टक्सीडो सेट निकालकर चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ वक्त बाद सोना कमरे में आई। उसी वक्त अंश अपनी टाई फिक्स करते हुए बाहर आया। सोना ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका ये राक्षस हस्बैंड दिखने में बहुत कमाल का था। अंश उसे खुद को ऐसे देखता पाकर प्राउडली मुस्कुराया। वो मिरर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने बाल सेट किए और सोना को मिरर के जरिए देखते हुए बोला, मैं एक बिजनेस पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। ये सुनकर सोना की आंखों में चमक आ गई। अंश ने आगे कहा, चुपचाप दवाई खाकर सो जाना और भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अंश की बात सुनकर सोना हैरान हो गई। उसने अपने मन में कहा, महादेव इन्हें कैसे पता चला हम क्या सोच रहे हैं? अंश उसे घूरते हुए बोला, अब इतनी तेज सोचोगी तो मुझे सुनाई देगा ही। नाउ पुट अ ब्रेक ऑन योर थॉट्स। सोना उसकी गहरी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं हम ऐसा नहीं सोच रहे थे। अंश उसके पास आते हुए बोला, सोचना भी मत, वरना तुम तो जानती ही हो मैं क्या कर सकता हूँ। सोना ने ये सुना और अपना सर हाँ में हिलाने लगी। वो ये कैसे भूल सकती थी कि उसका भाई अब भी उस राक्षस की कैद में है। गुड, अंश ने कहा और अपना कोट उठाकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सोना ने अपनी आंखें खोली और इस बार उसकी आंखों में कुछ नया था। उसने कहा,
हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, तभी हमें हमारे भाई का पता चलेगा। हम इस बार आपके हाथ नहीं आएंगे मिस्टर रायजादा। पर हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं? वो ये सोचते हुए कमरे में इधर उधर घूमने लगी। उसके हाथों में पसीने आना शुरू हो गए थे। वो पूल के पास आई और बालकनी से नीचे झांकने लगी। अंश की कार बहुत देर पहले ही वहां से जा चुकी थी। उसे बाहर सिर्फ गार्ड्स का पहरा नजर आ रहा था। उसने कुछ सोचा और कबर्ड से अपने सारे कपड़े निकाल लाई। उसने एक एक करके कुछ साड़ियों को आपस में बांधा और एक रस्सी बना ली। उसने उसे रेलिंग में बांधा और गार्ड्स की नजरों से बचते हुए उसे नीचे फेंका। उसने खुद को हौसला दिया, चल सोना, अब तू पीछे नहीं हट सकती। उसने आंखें बंद की और जोर से चीखी, चोर, चोर, हमारे कमरे में चोर घुस आया है, कोई पकड़ो उसे। उसकी आवाज सुनकर गार्ड्स ने ऊपर देखा और बिना सोचे कुछ गार्ड्स घर के अंदर की तरफ भागे। सोना ने मौका देखा और अपनी साड़ी को कमर में बांधकर रस्सी पर लटक गई। उसे कुछ ही वक्त लगा नीचे आने में और वो जमीन पर आकर खड़ी हो गई। उसने इधर उधर देखा, रास्ता साफ देखकर वो सीधा गेट की तरफ भागी जो अभी भी हल्का सा खुला था। इधर अंश कार में बैठकर अपने फोन पर सोना की सारी हरकतों को देख रहा था। उसे देखते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी बीवी। क्या सोना भाग पाएगी अंश की कैद से? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश सोना के भागने की लाइव फुटेज देख रहा था। सोना को नहीं पता था पूरे घर में बेडरूम्स को छोड़कर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अंश उसे देखते हुए बोला, अब तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अंश ने ड्राइवर को कार फार्म हाउस की तरफ मोड़ने के लिए कहा। इधर सोना कपड़ों की रस्सी के सहारे नीचे उतर गई। वो दीवार के पास पौधे की आड़ में छिप गई। उसने देखा मेन गेट हल्का सा खुला है, गार्ड्स भी अंदर की तरफ भाग रहे थे। सोना ने मौका देखा और भागते हुए गेट के पास आ गई। वहां बैठा गार्ड सोना को भागते देख जोर से चिल्लाया, मिसेज रायजादा भाग रही हैं। वो गेट बंद कर पाता उससे पहले सोना बाहर की तरफ भाग गई। वो भागते हुए मेन रोड पर आ गई थी। उसने देखा गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं। सोना ने इधर उधर देखा तो पाया रोड के किनारे पर कुछ कार्स खड़ी हैं। वो छिपने के लिए उस तरफ भागी। गार्ड्स उस जगह पर आ गए थे लेकिन सोना अब उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। छिपते हुए सोना ने देखा एक कार की डिक्की ओपन है। वो धीरे कदमों से उस कार के पास आई और उसके अंदर घुस गई। अभी 2 मिनट बाद ही उसे कार ऑन होने की आवाज आई। उसके बाद कार मूव होने लगी। ऐसा लग रहा था कार चलने लगी है। सोना ने राहत की सांस ली। उसने खुद से कहा, फाइनली हम उस कैद से निकल आए। अब हम अपने भाई को ढूंढ सकते हैं। पता नहीं किस हाल में होगा। लगभग 1 घंटे बाद वो कार एक जगह पर आकर रुकी। सोना ने ध्यान से सुना, बाहर उसे लोगों के चलने और बात करने की आवाज आ रही थी। वो बिना आवाज किए धीरे से डिक्की से बाहर आई। वहां पर कलरफुल लाइट और फूलों से डेकोरेशन किया गया था। वहां पर कई लोग आते जाते नजर आ रहे थे। उन सब ने डिजाइनर कपड़े और ज्वेलरी पहने हुए थे। सोना ने अपने माथे से पसीना साफ किया और गेट को देखने लगी, ये सोचकर कि अब उसे उस राक्षस का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को ठीक किया और गेट की तरफ बढ़ गई। गेट पर बड़ा सा रेड कारपेट बिछा था। वहां पर 2 गार्ड्स खड़े थे। बड़े बड़े लोग वहां से अंदर जाते दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखते हुए सोना को घबराहट होने लगी। सोना जिस गाड़ी में थी वो गाड़ी सीधे पार्टी वेन्यू के अंदर आकर रुकी थी। इसीलिए जब सोना वहां से बाहर जाने लगी तभी एक गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, मैम एग्जिट पास प्लीज। एग्जिट पास? सोना ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। गार्ड ने कहा, अगर आपके पास एग्जिट पास नहीं है तो आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर सोना घबरा गई। ये पार्टी बहुत खास थी। इस पार्टी में देश और फॉरेन कंट्री से कई बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ का नियम था कि बिना इनविटेशन कार्ड के कोई अंदर नहीं आ सकता और बिना एग्जिट पास के कोई बाहर नहीं जा सकता। सोना ने खुद को नॉर्मल किया और कहा, अब देखिए हम यहाँ गलती से आ गए हैं, हमारे पास कोई पास नहीं है, प्लीज हमें जाने दीजिए। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा। एक गार्ड ने सख्ती से कहा, मैम आप यहाँ बिना इनविटेशन के घुस आई हैं, आपको इसके लिए 10 साल की जेल भी हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा हमारे साथ कॉपरेट कीजिए।
10 साल की जेल का सुनकर सोना हैरान हो गई। उसने कहा, 10 साल? नहीं नहीं, प्लीज हमें जाने दीजिए, हम यहाँ गलती से आ गए हैं। गार्ड्स को अब इरिटेशन होने लगी। एक गार्ड उसकी तरफ आते हुए बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको अभी बताता हूँ। ये कहकर उसने सोना को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर सोना अपने कदम पीछे करते हुए पार्टी हॉल के अंदर भाग गई। वो गार्ड्स भी उसके पीछे भागे, लेकिन तब तक सोना लोगों की भीड़ में गायब हो गई थी। गार्ड्स ने इधर उधर देखा, लेकिन सोना उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया कि पार्टी में एक घुसपैठिया आया हुआ है। इधर सोना एक बड़े से फ्लावर पॉट के पीछे छिपकर उन गार्ड्स को देख रही थी। फाइनली वे दोनों चले गए, तब जाकर सोना ने राहत की सांस ली। वो फ्लावर पॉट के पीछे से बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। उस जगह को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो जगह दिखने में बहुत शानदार थी। दीवारों पर सफेद रंग के पर्दे लगे हुए थे और सफेद रंगों के फूलों से उस जगह को डेकोरेट किया गया था। सोना ने आज से पहले ऐसी जगह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसने कहा, महादेव ये हम कहाँ आ गए। उसने अपने माथे से पसीना साफ किया और इधर उधर देखने लगी। वहाँ पर मौजूद लोग बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लग रहे थे। उन सब के हाथ में ड्रिंक के ग्लास थे और वे सब ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। सोना उन सबको देखते हुए आगे बढ़ने लगी। लोगों की भीड़ को देखते हुए उसे चक्कर आ रहा था। तभी उसने देखा कुछ बॉडीगार्ड्स पार्टी वेन्यू के अंदर आते हुए इधर उधर फैल गए। उनके हाथों में राइफल थी। सोना को लगा वे सब उसे पकड़ने आए हैं। वो फिर से छिपने लगी। उन बॉडीगार्ड्स के अचानक से ऐसे आने से सब एकदम शांत हो गए। सबको पता था वो बॉडीगार्ड्स किस परिवार के थे। सबकी नजर गेट पर थी। जल्द ही वहां से एक मिडिल एज आदमी जिसने 3-पीस सूट पहना था और उसके साथ एक एलिगेंट महिला जिसने पीच कलर की महंगी साड़ी के साथ सिंपल सी ज्वेलरी कैरी की हुई थी, वे दोनों अंदर आए। पार्टी की भीड़ से एक आदमी बाहर आया और उनके पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, वेलकम मिस्टर एंड मिसेज रायजादा, आप दोनों अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी छोटी सी पार्टी में आए, हमें बहुत खुशी हुई, थैंक्स फॉर कमिंग। वे दोनों कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शिवा सिंह रायजादा और मिसेज नीलिमा सिंह रायजादा यानी अंश के मॉम एंड डैड थे। शिवा ने भी उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है मल्होत्रा साहब, हमें तो आना ही था, आफ्टर ऑल आप हमारे पुराने बिजनेस क्लाइंट जो हैं, आप बुलाए और हम नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या। ये सुनकर मिस्टर मल्होत्रा हंसने लगे। ये पार्टी मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा ने अरेंज की थी उनकी कंपनी को 10 साल पूरे होने की खुशी में। उनकी कंपनी इंडिया की टॉप 5 कंपनी में से एक थी। मिस्टर मल्होत्रा शिवा और नीलिमा को लेकर एक बड़े से राउंड टेबल के पास ले आए। शिवा और नीलिमा अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें देखते हुए हर कोई उनके बारे में धीरे धीरे बातें करने लगा। इधर सोना को घबराहट में समझ नहीं आ रहा था वो कहां जाए। वो जैसे तैसे वॉशरूम तक पहुंची। उसने खुद को मिरर में देखा, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने जल्दी से अपना चेहरा पानी से साफ किया और गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने लगी। उसने कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो गई। उसने खुद को देखा, भले ही उसने कोई मेकअप नहीं किया था लेकिन वो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी नीली आंखें तारे की तरह टिमटिमा रही थी। उसने अपना हुलिया ठीक किया और वॉशरूम से बाहर आ गई। वो अभी 2 कदम चली ही थी कि हॉल की सारी लाइट ऑफ हो गई और पार्टी हॉल अंधेरे से भर गया। तभी किसी आदमी ने सोना का मुंह बंद किया और उसे खींचते हुए टेरिस पर ले आया। उसने सोना को ले जाकर झटके से छोड़ दिया, जिससे सोना रेलिंग से टकरा गई। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए उस इंसान को देखने लगी जो उसे यहाँ लेकर आया था। उसके सामने एक लंबा चौड़ा इंसान अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए खड़ा था। उसे देखते हुए सोना की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, ये नहीं हो सकता, ये सपना है। हाँ, ये जरूर सपना है, आप हमारे सामने नहीं हो सकते। ये कहते हुए उसने कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। सोना उसके सीने से आ लगी। तभी उसे एक जानी पहचानी सी फ्रेग्रेंस उसकी नाक में महसूस हुई। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं बल्कि वही राक्षस है जिससे वो भाग रही थी।
उसने कस के उसके कोट को मुट्ठी में भींच लिया। वो उसे फेस नहीं करना चाहती थी। तभी उसकी भारी आवाज सोना के कानों में पड़ी। सरप्राइज मिसेस रायजादा। इस आवाज को सुनकर सोना की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई। उसने झट से आंखें खोली। हल्की रोशनी में उस राक्षस की आंखें चमक रही थी। उन आंखों में देखते हुए वो घबरा गई। उसने कहा, अंश आप सच में यहाँ हैं? ये कहते हुए उसके होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे। अंश अपनी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत करते हुए अपनी डीप हस की वॉइस में बोला, तुम्हें क्या लगा था बेबी, तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो? सोना ने मुश्किल से कहा, आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? अंश जब फार्म हाउस पहुँचा था तब उसे पता चला सोना वहाँ से भाग चुकी है। जब उसने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किया तब उसे पता चला कि वो एक कार में छिप रही थी, और उस कार का पता लगाते हुए अंश इसी पार्टी में पहुँच गया जिसमें वो इनवाइटेड था। अंश ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और कहा, आई नो योर ईच एंड एवरी मूवमेंट वाइफी, माई आईज आर ऑलवेज ऑन यू। उसके ऐसे कहने से सोना और ज्यादा घबरा गई। उसने अंश से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज लेट मी गो, आई वॉन्ट टू सी माई ब्रदर। अचानक से अंश ने उसके बालों को पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करते हुए गुस्से से बोला, तुम मुझे हमेशा अपने साथ कुछ बुरा करने के लिए मजबूर क्यों करती हो? तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती? लगता है तुम्हारे भाई की जान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। सोना अपनी आंखों में आंसू लेकर उसे देख रही थी। उसने एक बार भी खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। अंश ने आगे कहा, मेरी बात ना मानने का नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, बस तुम घर चलने का इंतजार करो। ये कहकर उसने सोना को छोड़ दिया। उसने अपना कोट ठीक किया और उसे घूरते हुए नीचे आ गया। सोना वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने अपने आंसू साफ किए और कहा, आप चाहे जितनी कोशिश करें, हम आपके साथ उस कैद में दोबारा नहीं आएंगे। ये कहकर वो भागते हुए नीचे आई। उसने देखा लाइट आ चुकी थी। वो अंश की नजरों से बचते हुए अभी बाहर की तरफ जा ही रही थी कि सामने से आ रही नीलिमा से टकरा गई। नीलिमा उसे संभालते हुए अपनी स्वीट वॉइस में बोली, संभल कर बेटा, लग जाएगी। सोना इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज आना बंद हो गई थी। उसने नीलिमा को देखा जो उसे फिक्र के साथ देख रही थी। सोना ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आंटी प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास एग्जिट पास नहीं है, प्लीज हेल्प मी। नीलिमा ने उसे परेशान देखकर उसे अपने साथ उनके टेबल पर ले आई। वो उसे कुर्सी पर बैठाकर पानी का ग्लास देते हुए बोली, तुम पहले शांत हो जाओ, बताओ आखिर बात क्या है। सोना ने एक ही सांस में ग्लास का सारा पानी पी लिया। वो ग्लास को टेबल पर रखते हुए बोली, वो कोई हमारा पीछा कर रहा था और हम उससे बचने के लिए छिपते छिपाते यहाँ तक आ गए, लेकिन अब यहाँ से जाने के लिए हमारे पास एग्जिट पास नहीं है। ये कहते हुए उसकी नजर शिवा पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था, और उसके पीछे वाली टेबल पर दीप, रिहान और शौर्य बैठे सोना को ही देख रहे थे। अब क्या होगा आगे, क्या करेगा अंश सोना के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना को देखकर रिहान की आंखें चमक रही थी। सोना का खूबसूरत चेहरा घबराहट के भाव के साथ भी कितना सुंदर लग रहा था, और उसकी वो नीली आंखें भी चमक रही थी। रेहान ने धीरे से कहा, वाओ, टिपिकल इंडियन ब्यूटी। दीप ने उसका रिएक्शन देखा और उसके सर पर मारते हुए बोला, बेवकूफ, वो तुम्हारी भाभी है, अगर तुम्हारे भाई ने सुन लिया तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। दीप फिर बोला, ऐसे हफ्सी की तरह मत घूर, वो तेरे टाइप की नहीं है। रेहान ने उसी तरह कहा, नहीं भाई, मुझे लगता है मुझे मेरा प्यार मिल गया है। हाय कितनी प्रिटी है वो। ये कहकर उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। दीप ने उसे गुस्से से घूरा और उसे वहां से ले जाते हुए बोला, चल हम वहां ड्रिंक करते हैं। उसने शौर्य को भी अपने साथ ले लिया जो सोना को ही देख रहा था। सोना ने शिवा को देखते हुए कहा, सॉरी हमने आप दोनों को डिस्टर्ब किया, आई थिंक हमें चलना चाहिए। ये कहकर वो कुर्सी से खड़ी हुई तो नीलिमा उसे वापस से बैठाते हुए बोली, रुको बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकती, अपनी हालत देखो। ये कहते हुए उसने सोना के बाल ठीक किए और टिश्यू से उसके माथे से पसीना साफ किया।
सोना एक अनजान को अपनी इतनी फिक्र करते देख इमोशनल हो गई। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। नीलिमा ने कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सोना ने हेजिटेट करते हुए कहा, अब हमारा नाम सोना है आंटी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बहुत ही अच्छा नाम है। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारी फैमिली? सोना ने अपना सर झुका लिया और उदास होते हुए बोली, हमारे पापा का नाम कबीर शाह है। कुछ वक्त पहले ही वो बैंकक्रप्ट हो गए। हमें नहीं पता वो अब कहाँ रहते हैं। ये कहकर वो अपना चेहरा अपने हाथ से छिपाकर सुबकने लगी। उसे सुबकता देख नीलिमा ने उसे गले से लगा लिया। वो उसके सर को सहलाते हुए बोली, चुप हो जाओ, ऐसे रोते नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली तक पहुंचा दूंगी। सोना खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल वो मायूस हो गई। वो इधर उधर देखते हुए बोली, लेकिन वो हमें ढूंढ लेंगे। आपको नहीं पता, हम जिससे बचने की कोशिश कर रहे हैं वो इसी जगह पर है और बहुत ही खतरनाक है। नीलिमा ने हैरान होते हुए कहा, क्या वो सच में खतरनाक है? सोना ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ वो बहुत खतरनाक है। आपको उन्हें देखकर ही डर लगने लगेगा। वो एकदम राक्षस की तरह लगते हैं। उनकी शक्ल हमेशा सड़ी हुई होती है और उनकी नाक तो पूछो ही मत, लंबी नाक, और उस नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। और आपको नहीं पता आंटी, उन्होंने एक बार हमारे सामने ही किसी की जान ले ली थी। वो सच में बहुत खतरनाक है, किसी से भी नहीं डरते। सोना अंश के बुराई में इतना खो गई थी कि वो भूल चुकी थी कि अंश भी इसी पार्टी में है। नीलिमा सोना की बात सुनकर हैरान थी। उसने कहा, पर तुम एक बात नहीं जानती, तुम्हारी ये आंटी किसी से नहीं डरती। वो एक बार मेरे सामने आ जाए, फिर मैं उसे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर सोना बहुत ही खुश हो गई। उसने कहा, थैंक यू आंटी, प्लीज आप जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकालिए। हम अपने पापा और भाई के पास जाना चाहते हैं, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। नीलिमा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरा बेटा तुम्हें तुम्हारे पापा और भाई के पास पहुंचा देगा। तभी उनकी नजर सोना के पीछे अंश पर पड़ी, जो मिस्टर मल्होत्रा के साथ किसी टॉपिक पर बातें करते हुए उनकी तरफ ही आ रहा था। नीलिमा ने अंश की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा मेरा बेटा। उन्होंने ये कहा तो सोना पलट गई। अंश को अपने पीछे खड़े देखकर उसे सांप सूंघ गया। अंश बिना एक्सप्रेशन के कुछ लड़कों को घूर रहा था, जो सोना को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वो सब सोना को किन नजरों से देख रहे थे ये समझते हुए उसका खून खौलने लगा। वो उन्हें देख ही रहा था कि नीलिमा ने उसे आवाज देते हुए कहा, अंश यहाँ आओ। अंश ने उनसे अपनी नजरें फेर ली और सोना के पास आकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे बैठता देख सोना खड़ी हो गई। नीलिमा उसे फिर से बैठाते हुए बोली, सोना ये मेरा बेटा अंश है, और अंश ये है सोना, बहुत ही प्यारी बच्ची है। अंश सोना को ही देखने लगा, जो अपने हाथों को आपस में मसलते हुए नीचे देख रही थी। शिवा अंश को देख रहे थे। अंश को ऐसे सोना को घूरते देखकर शिवा ने अपना गला साफ किया। उसकी आवाज सुनकर अंश दूसरी तरफ देखने लगा। साथ ही नीलिमा, जो कब से सोना से बात कर रही थी, उसने भी शिवा को देखा। उसने अपने सर पर मारते हुए कहा, ओफो मैं भी ना, मैं तुम्हें इनसे मिलवाना तो भूल ही गई। इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड और अंश के डैड हैं। सोना ने शिवा को देखा तो शिवा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। सोना ने तब जाकर ध्यान दिया कि अंश कुछ हद तक अपने डैड के जैसे दिखता था। सोना ने जल्दी से उसके ऊपर से अपनी नजर हटा ली। नीलिमा ने कहा, अच्छा अंश, तुम सोना को उसके पापा के पास पहुंचा दो, ये बेचारी बहुत परेशान है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। सोना उन्हें बेचारी आंखों से देखने लगी और उसने बुदबुदाते हुए कहा, ओ आंटी, आप हमें बचाने की जगह मौत के मुंह में धकेल रही हैं। वो खड़ी हुई और बोली, नहीं आंटी, हम खुद यहाँ से चले जाएंगे, आपको इन्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। नीलिमा ने कहा, देखो सोना, इस वक्त बहुत रात हो गई है और तुम अपने पापा को कहाँ ढूंढोगी? अगर अंश तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। नीलिमा ने अंश से कहा, अंश अगर तुम अभी फ्री हो तो सोना को अभी इसके पापा के पास छोड़ दो। उन्होंने अंश को आंखों से इशारा करके हाँ बोलने को कहा। इधर रिहान बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसने उनकी बात सुनते हुए दीप के कान में फुसफुसाया, भाई देखना
अंश भाई मना कर देंगे। कोई चांस ही नहीं है कि अंश भाई उस लड़की को घर छोड़ दे। दीप ने भी फुसफुसाते हुए कहा, नहीं वो हाँ बोलेगा। रेहान ने कहा, लगी 1 करोड़ की शर्त, भाई पक्का मना करेंगे। तभी अंश ने कहा, श्योर मॉम। सोना उसे डरते हुए देखने लगी और नीलिमा खुश होकर। रेहान शौर्य और दीप को देखने लगा। दीप ने अकड़ते हुए कहा, मैंने कहा था ना। शौर्य और रेहान ने सिर हिला दिया। रेहान बोला, मान गए भाई आपको। दीप अपना हाथ आगे करते हुए बोला, अबला मेरे 1 करोड़ रुपए। रेहान ने सर खुजाते हुए कहा, भाई मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं आपको कल ऑफिस में दे दूंगा। दीप ने अपना सर हिलाया। इधर अंश अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर चला गया। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी जाने लगे। शिवा ने हाथ दिखाकर उन्हें जाने से मना कर दिया। सोना जैसे तैसे खड़ी हुई। नीलिमा ने उसे गले से लगाया और उसके गाल को छूकर बोली, अपना ख्याल रखना। सोना ने हाँ में सर हिलाया और बाय कहकर अंश के पीछे धीरे धीरे चली गई। जैसे ही वे दोनों वहां से निकले, पार्टी में सबने बातें करना शुरू कर दिया। पर वहां पर एक शख्स ऐसा था जिसकी नजरें हर वक्त सोना पर ही थी। अंश जैसे ही बाहर आया, ड्राइवर कार लेकर उसके पास आ गया। अंश अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर कार को घूर रहा था। बहुत देर बाद भी सोना उसके पास नहीं आई तो वो पलटकर सोना के पास आ गया, जो घबराई हुई सी उसे दूर खड़ी थी। उसने सोना का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कार के पास ले गया। उसने पैसेंजर सीट का गेट खोला और सोना को लगभग धक्का देकर कार में बैठा दिया। वो अपने कोट का बटन खोलते हुए ड्राइवर से बोला, गेट आउट। ड्राइवर कार से बाहर आ गया तो अंश ड्राइविंग सीट पर आ गया। उसने कार स्टार्ट की और जितनी स्पीड हो सकती थी उतनी स्पीड से कार चलाने लगा। सोना सीट बेल्ट को कस के पकड़कर चुपचाप बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी आज अंश उसे नहीं छोड़ने वाला। उसने धीरे से कहा, अब मिस्टर रायजादा प्लीज स्लो डाउन, आई एम स्केर्ड। सोना ने इतना कहा था कि अंश ने कार की स्पीड और तेज कर ली। कुछ देर बाद वे दोनों फार्म हाउस आ गए। अंश कार से बाहर आया और सोना को खींच कर बाहर निकाला। सोना ने डरते हुए कहा, अब मिस्टर रायजादा हमारी बात सुनिए। 2 मिनट बाद सोना बेसमेंट में थी। उसके सामने अंश के कुछ गार्ड्स लाइन से अपने घुटनों पर बैठे थे। सोना समझ नहीं पा रही थी कि क्यों वो सब इस तरह घुटनों पर बैठे हैं। उसने अंश को सवालिया नजरों से देखा। अंश ने मुस्कुराते हुए उसे पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कान में बोला, तुम जानती हो ये सब इस वक्त मरने वाले हैं। ये सुनकर तो सोना की आंखें बड़ी हो गई। अंश ने आगे कहा, क्योंकि ये सब अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तुम इनकी नाक के नीचे से इस घर से भाग गई और ये सब देखते ही रह गए। मुझे इन जैसे लापरवाह लोगों की कोई जरूरत नहीं है। सोना ने कहा, प्लीज डोंट किल देम। सोना की बात अनसुनी कर अंश ने कुछ गार्ड्स को इशारा किया। कुछ गार्ड्स घुटनों पर बैठे गार्ड्स को लोहे के रॉड और बड़े बड़े डंडों से बुरी तरह पीटने लगे, जिससे उनके मुंह से खून बाहर आने लगा। वे सब इतने क्रूअल थे कि अपने ही लोगों की जान की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्हें ऐसे देख सोना अंश के सीने से लग गई। अंश उसे ऐसे देखकर मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें उनकी आवाज सुनाई दे रही है, ये सब तुम्हारी वजह से यहाँ है। सोना उसे कस के पकड़ते हुए नहीं में अपना सर हिलाने लगी। अंश ने उसे खुद से दूर किया और उसे पलट कर पीछे से पकड़ लिया। वो अपना चिन सोना के कंधे पर रख कर उन गार्ड्स को देखते हुए बोला, अगर तुमने फिर से यहाँ से भागने की कोशिश की तो इनकी जगह तुम्हारा छोटा भाई होगा। सोना सहम सी गई। अपने भाई का ख्याल आते ही उसकी सांसें तेज हो गई। वो अपना सर हिलाते हुए बोली, प्लीज उन्हें जाने दो। अंश ने कहा, नहीं कभी नहीं। सोना ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और अपने हाथों से कान को ढकना चाहा, लेकिन अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोना रोते हुए बोली, I'm sorry, Mr. Raizada. Please leave them. I can't see them like this. अंश ने कहा, ठीक है मैं इन्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें खुद इनकी जान लेनी होगी। सोना ने ये सुना और हैरानी से अंश को देखने लगी। अंश ने उसके हाथ में गन थमाते हुए उन्हें मारने का इशारा किया। उस गन को देखते हुए सोना के हाथ बुरी तरह से कांप गए। उसके हाथ से गन छूट गई और वो अंश के पैरों में गिरते हुए बोली, हम ये नहीं कर सकते,
प्लीज इन्हें जाने दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, प्रॉमिस इन्हें जाने दो प्लीज। ये कहते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई। अंश ने देखा सोना बेहोश होकर गिर गई है। उसने गार्ड से कहा, इनका ट्रीटमेंट कराओ। अंश ने सोना को अपनी बाहों में उठाया और उसे कमरे में ले आया और उसे बेड पर ले जाते हुए बोला, तुम बहुत कमजोर हो, बट डोंट वरी, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरीवन। अंश उसके चेहरे को बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आखिर सोना से क्या चाहता था। उसे इस हाल में देखकर उसे अपने अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, ये मुझे क्या हो रहा है। कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद वो हॉल में आ गया। उसने देखा दीप और शौर्य सोफे पर बैठे हैं। अंश उन दोनों को देखकर अपनी भौं उठाकर बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्या पार्टी खत्म हो गई? दीप खड़ा हुआ और अंश को घूरते हुए बोला, सोना कहाँ है अंश? क्या सोना कभी अंश की कैद से आजाद हो सकेगी? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दीप के सवाल पर अंश अपनी भौहें सिकोड़ कर उसे देखने लगा। उसने पूछा, क्यों, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? दीप उसके सामने आकर बोला, मैंने तुम्हें उसे पार्टी से लाते हुए देखा, गार्ड्स ने बताया वो यहाँ से भाग गई थी। क्या चल रहा है अंश, तुमने उसे कैद कर रखा है? अंश ने तेज आवाज में कहा, तुम बीच में मत पड़ो दीप, ये मेरा मैटर है। शौर्य उनके बीच आते हुए बोला, स्टॉप योर नॉनसेंस अंश, तुमने एक लड़की से उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की और अब कैद कर रखा है, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए अंश? शौर्य का सवाल सुनकर अंश दूसरी तरफ देखने लगा। शौर्य ने कहा, तुम नजरें क्यों फेर रहे हो अंश, मेरी बात बुरी लगी पर यह सच है, तुम उसे अपने साथ जबरदस्ती नहीं रख सकते, तुम कल ही उसे उसकी फैमिली के पास छोड़कर आओगे। अंश उसे देखते हुए कठोरता से बोला, कभी नहीं, उसने मुझे थप्पड़ मारा शौर्य, जिसे आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया, उसे उस बेवकूफ सी लड़की ने थप्पड़ मारा। ये सुनकर शौर्य उसके मुंह पर चिल्लाया, तो क्या तुम उसे इतनी बड़ी सजा दोगे? तुम लिटरली उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तुमसे जिंदगी भर नफरत करेगी। शौर्य कह ही रहा था कि अंश उसकी बात काटते हुए बोला, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मुझसे नफरत करे या कुछ और, मैं उससे नफरत करता हूँ, इतना काफी है मेरे लिए। शौर्य ने डिसबिलीफ में कहा, यू आर अ सिक। अंश ने उन दोनों को इग्नोर किया और बार में आ गया। उसने जब फार्म हाउस को डिजाइन करवाया था तब उसने वहाँ पर एक छोटा सा बार भी डिजाइन किया था, जहाँ पर दुनिया की सबसे महंगी से महंगी शराब अवेलेबल थी। शौर्य और दीप अंश को गुस्से से घूर रहे थे, तभी उन्हें ऊपर से कुछ टूटने की आवाज आई। वो दोनों बिना देरी किए उस आवाज की दिशा में भागे। इधर सोना की आंखें झटके से खुली, वो उठकर बैठ गई। कुछ वक्त पहले उसने जो गार्ड्स के साथ होते देखा था वो उसके जहन में घूमने लगा। उनकी हालत को याद करते हुए वो कांपने लगी। इसी बीच उसका हाथ साइड टेबल पर रखे फ्लावर पॉट पर लगा, जिससे वो गिरकर टूट गया। सोना जो पहले से डरी हुई थी, पॉट के टूटने की आवाज से वो चौंक गई। अभी वो उसे देख ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और उसे दीप और शौर्य अंदर आते नजर आए। उसने कुछ भी नहीं सोचा और भाग कर आके दीप के गले से लग गई। उसने रोते हुए कहा, अंश ने उसे मार दिया, he is a psycho, I hate him, I really hate him, हम उस मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकते, प्लीज हमें यहाँ से ले चलो। शौर्य और दीप को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लगा। अंश ने उसकी आंखों के सामने आज जो किया था उससे वो काफी घबराई हुई थी। वो लगातार बोले जा रही थी, he killed them, he is a monster, he will kill me, I। दीप उसे संभालते हुए धीरे से बोला, डोंट क्राई सोना, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। ये कहते हुए उसने सोना को बेड पर बिठाया। उसने उसकी आंखों से आंसू साफ किए और उसे पानी का ग्लास देते हुए बोला, तुम पहले चुप हो जाओ, तुम रोना बंद करो, देखो वो यहाँ नहीं है। सोना ने अपने कांपते हाथों से ग्लास को पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि ग्लास छूटकर फर्श पर गिर गया। तभी पीछे से अंश की आवाज आई, यहाँ पर क्या हो रहा है? उसकी भारी आवाज सुनकर तीनों ने उसे देखा। दूसरी तरफ नीलिमा और शिवा पार्टी से घर जा रहे थे। नीलिमा सोना के बारे में सोचकर विंडो से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी शिवा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, क्या सोच रही हैं आप, कब से मैं देख रहा हूँ अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो। नीलिमा ने कहा, आपको याद है हम पार्टी में जिस लड़की से मिले थे,
वो सोना, वो बच्ची मेरी आंखों में बस गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर अंश ईशा से शादी नहीं करना चाहता तो हम उसकी शादी। वो कह ही रही थी कि शिवा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, सोचना भी मत। आपने उस लड़की को देखा? अंश को देखकर कितनी घबराई हुई थी। वो अंश के साथ पूरी जिंदगी कैसे रह सकती है? और वैसे भी अंश लड़कियों को अपने पास भी आने नहीं देता। शादी तो दूर की बात है, नीलिमा ने कहा। पर आप ये भी तो सोचिए ना कि मेरे एक बार कहने से ही अंश सोना की मदद के लिए चला गया। कुछ तो खास बात होगी ना कि अंश उसकी मदद के लिए मान गया। शिवा ने ये सुना तो उसने कहा, आप अब ज्यादा सोच रही हैं नीलिमा जी। मैं हमारे बेटे को जानता हूँ, वो कभी उस लड़की को पसंद नहीं करेगा। ये कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगा, जैसे वो खुद को ये यकीन दिला रहा हो कि उनका सोचना सही है। पर कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि न्यूज में जिस लड़की को अंश किस करता नजर आ रहा था वो सोना ही थी। एक आलीशान महल की छत पर एक 32 साल का आदमी अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने अपनी भारी आवाज में किसी से कहा, मुझे उस लड़की की इन्फॉर्मेशन सुबह तक मेरे टेबल पर चाहिए। सामने से एक लड़के की आवाज आई, काम हो जाएगा सर। उस आदमी ने फोन रखा और खुले आसमान में दिख रहे चांद को देखने लगा। इधर अंश दीप और सोना को एक दूसरे के इतने पास देखकर आग बबूला हुए जा रहा था। वो उनके पास आया और दीप का कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींचा। वो उसे दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम उसे दूर रहो। आइंदा मेरे कमरे में दोबारा कदम रखा या इससे बात करने की भी कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे दोस्त हो। ये कहते हुए उसने दीप को कमरे से बाहर धक्का दे दिया। दीप ने उसे गुस्से से घूरा, पर वो गुस्सा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। शौर्य अंश को देखते हुए गुस्से से बोला, अंश यू विल डेफिनेटली रिग्रेट फॉर इट। ये कहकर वो भी कमरे से चला गया। अंश ने दरवाजा बंद किया और मुड़कर सोना को देखने लगा, जो एक डरी हुई बिल्ली की तरह बेड पर दुबक कर बैठी थी। अंश उसके पास आने लगा तो सोना पीछे की तरफ खिसकने लगी। वो बोली, वो हमारे पास मत आना, दूर रहिए हमसे, स्टे अवे फ्रॉम मी। अंश एक कदम उसके पास आकर रुक गया। वो देख सकता था सोना उससे कितनी डरी हुई थी। वो उसकी आंखों में यही तो देखना चाहता था, लेकिन उसे इस हाल में देखकर अंश के दिल में दर्द हो रहा था। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये कहकर उसने सोना के गाल को छूना चाहा, लेकिन सोना ने उसका हाथ झटक दिया। सोना ने तेज आवाज में कहा, हमने कहा ना हमसे दूर रहिए, आप एक साइको हैं, हमसे दूर रहिए। अंश जो अब तक सोना को सॉफ्टली देख रहा था, उसकी बात सुनकर उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने सोना को अपनी तरफ खींचा और उसके गाल को पकड़ते हुए बोला, योर टंग इज वेरी शार्प वाइफी, ट्राई टू से दिस अगेन देन सी हाउ आई विल कट योर टंग इनटू मिलियंस ऑफ पीसेस। ये कहकर उसने अपनी पकड़ उसके जबड़े पर कस दी, जिससे सोना को काफी दर्द महसूस हो रहा था। सोना दर्द में छटपटाते हुए बोली, लीव मी, इट्स हर्टिंग। अंश ने सरकास्टिकली कहा, पेन पेन तो फिर होने दो, ये तुम्हारा दर्द मेरे दर्द के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सोना ने भी उसी तरह जवाब दिया, दर्द? क्या एक राक्षस को भी दर्द हो सकता है? तुम? अंश कुछ कहने को था कि सोना ने कहा, आप हमें दर्द में देखना चाहते हैं ना? हम महादेव से दुआ करेंगे कि आप जितना दर्द हमें देंगे उसका दुगुना दर्द महादेव आपको लौटाए। उसकी बात सुनकर अंश के दिल में टीस सी उठी। ये लड़की हर बार उसे चैलेंज क्यों करती थी? उसने उसे छोड़ दिया और गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सोना सिमट कर बेड के कोने में दुबक कर बैठ गई। उसने कहा, आई हेट यू अंश सिंह रायजादा, आई हेट यू अलॉट। सुबह 8 बजे सोना सुबह उठी तो देखा अंश मिरर के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। कल रात उसने जो सोना के साथ किया था उसे याद आते ही सोना का चेहरा मुरझा गया। अंश अपने स्लीव का बटन लगाते हुए बोला, गेट रेडी, वी आर गोइंग टू मीट योर फादर। सोना ने ये सुना तो जैसे उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, क्या कहा आपने? उसे देखते हुए अंश ने कहा, वही जो तुमने सुना, 20 मिनट है तुम्हारे पास एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोना जल्दी से उठकर वॉशरूम में भागी। अंश उसे इतना एक्साइटेड पहली बार देख रहा था, नहीं तो उसने जब भी उसे देखा हमेशा गुस्से में ही देखा था। इधर वॉशरूम में सोना ने शावर लिया, तब जाकर उसे ध्यान आता है कि वो दूसरे कपड़े लेकर ही नहीं आई। उसने अपने सर पर चपत लगाई और बड़बड़ाने लगी, अब हम क्या करें?
क्या हम उनसे कहें कि हमें हमारे कपड़े दे दे? ओ सोना, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वो समझ नहीं पा रही थी अंश से अपने कपड़े कैसे मांगे। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा धीरे से खोलते हुए अपना सर बाहर करके कमरे को देखने लगी। उसने देखा अंश तैयार होकर सोफे पर बैठा फोन में कुछ कर रहा है। उसने फिर से दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टिक कर खड़ी हो गई। वो इतनी नर्वस हो गई कि अपने नाखून चबाने लगी। उसने कहा, 20 मिनट पूरे होने ही वाले होंगे, हमें कुछ करना होगा। अगर इनका मूड बदल गया तो ये हमें लेकर नहीं जाएंगे। उसने फिर से गहरी सांस ली और दरवाजा हल्का सा खोलते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, क्या आप कमरे से बाहर जाएंगे? हम अपने कपड़े लाना भूल गए हैं, मिस्टर रायजादा। पर उसने देखा अब कमरे में अंश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खुद से कहा, लगता है वो बाहर चले गए। कमरे में अंश को ना पाकर उसने राहत भरी सांस ली और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। वो जल्दी से वार्डरोब के पास आई और वहां से अपने कपड़े निकालकर पहनने लगी। इधर अंश पूल साइड पर फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो बात करते हुए ही उस तरफ देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर सोना पर पड़ी, वो बस उसे देखता ही रह गया। सोना इस वक्त सिर्फ टॉवल में थी, जिससे अंश उसे देखते हुए उसके बॉडी के अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर को इमेजिन कर पा रहा था। सोना ने लंबे बालों का बन बना लिया था, जिसकी वजह से उसकी लंबी गर्दन बहुत सुंदर लग रही थी। उसे ऐसे देखकर अंश की सांसें तेज हो गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंश को शांत पाकर दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, आर यू देयर? इस आवाज से अंश को होश आया। उसने कहा, बाद में बात करते हैं, और उसने फोन काट दिया और अपने फोन को जेब के अंदर रखते हुए कमरे में आ गया। सोना इस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर अपने सूट का जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी। उसने व्हाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी सूट पहना था। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का टच महसूस हुआ। उसने सर ऊपर करके देखा तो पाया अंश उसके पीछे खड़ा उसके कपड़े की जिप को ऊपर चढ़ा रहा है और मिरर में उसे ही देख रहा है। उसकी नजरों से नजरें मिलते ही सोना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखें गहरी थी, पर हर वक्त की तरह गुस्से में नहीं बल्कि शांत लग रही थी, जैसे कोई झील हो जिसमें सोना हर एक बीतते पल के साथ उसमें उतरते जा रही थी। नहाने की वजह से सोना की गोरी स्किन गुलाबी हो गई थी, जिससे वो एक टीनेजर की तरह लग रही थी। उसे देखते हुए अंश को पता नहीं चला कब उसने सोना की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अभी अंश उसके कंधे पर किस कर ही रहा था कि उसकी नजर सोना के गले पर बने एक निशान पर पड़ी और वो पीछे हट गया। ऐसा क्या देखा अंश ने कि वो हैरान हो गया? क्या अंश कभी सोना को समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर।